हेलो 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 हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आई एम सो एक्साइटेड एज इट इज़ माय फर्स्ट व्लॉग एंड दिस व्लॉग इज़ वेरी स्पेशल एज इट इज़ आवर फर्स्ट ट्रैवल टुगेदर दैट इज़ इन दुबई एंड वी वेंट देयर फॉर आवर प्री वेडिंग शूट। सो लेट्स गो एंड सी आवर शूट लोकेशंस और हमने क्या क्या करा था दुबई में। सो वी स्टेड इन क्राउन प्लाजा दुबई डेरा। यहाँ बैठ के हम अपने रूम चेक इन का वेट कर रहे हैं। और यस, आपने सही समझा, ये मेरा पति है जिसके साथ मैं अपना प्री वेडिंग शूट कराने आई हूँ। एक्चुअली मैं इसको हमेशा बोलती रहती हूँ हम दुबई जाएंगे जाएंगे, तो ये मेरी एक्टिंग कर रहा है। फाइनली हमने रूम चेक इन कर लिया है और ये आप सबके लिए एक छोटू सा रूम टूर। इसके बाद मेरे को जल्दी से रेडी होने जाना था क्योंकि आज का दिन हमारा फ्री है और हम कोई शूट नहीं कर रहे हैं। डे वन के लिए हमने एक कार रेंट करी थी और हम आज घूमने जा रहे हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉल जो कि है दुबई मॉल। और ये दुबई की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और फेमस रोड है क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स हैं और इसका नाम है शेख जायद रोड। तो अगर आप दुबई घूमने आ रहे हैं तो इस रोड पर ज़रूर ड्राइव पर आना। तो ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉल जो कि है दुबई मॉल। यहाँ ख्वाब है, यहाँ जश्न है, यहाँ महफिल है जवान, यहाँ शौकियाँ मत होशियाँ, यहाँ हर तरफ मस्तियाँ। और गाइस, ये इतना ज़्यादा बड़ा मॉल है ना, आप यहाँ पर बहुत 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 सारा टाइम लेकर आओ क्योंकि आप थक जाओगे लेकिन ये मॉल बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होगा। यहाँ बहुत कुछ है घूमने। हम चल चल कर इतना थक गए थे, हम थोड़ा बाहर आकर एक्सप्लोर कर रहे थे लग्जरी कार्स और सामने बुर्ज खलीफा। वो नजर छुपके मुझे देख रही हो जैसे। इतना थकने के बाद हम फाउंटेन शो का वेट कर रहे थे जो कि इवनिंग में होता है। फाउंटेन शो देखने के बाद हम निकले कार पिक करने जो कि हमने रेंट कर रखी है 4 डेज के लिए अपने शूट के लिए। और वो कार है गाइस ये मस्टैंग GT एंड दिस इज शेख जायद रोड एट नाइट। यहाँ पर इतना ज़्यादा मज़ा आता है, लाइक आप स्पोर्ट्स कार में हो, ओपन रूफ एंड अपने फेवरेट म्यूज़िक चला रखा हो आपने और 80-90 की स्पीड पर कार, इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल फीलिंग एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा डे वन। अब हमें होटल जाकर जल्दी से सोना है क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग हमारा शूट है। डे टू और मैंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ डेजर्ट खाया क्योंकि यहाँ सब नॉन वेज मिल रहा था और मैं वेजिटेरियन हूँ। सो गाइज, ये हमारा शूट डे वन और इस दिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा लॉल हो गया था। हम रह रहे थे दुबई डेरा में और हमें एक दूसरी सिटी में जाना था दुबई की जो कि है शारजा, और वहाँ पर हमारा शूट था जेट स्की के ऊपर जिसमें मुझे वाटरप्रूफ कपड़े पहनने थे, बट मैं अपने वाटरप्रूफ कपड़े लाना भूल गई। और ये जो मैंने अभी आउटफिट पहना हुआ है ये मेरा नाइट आउटफिट है और मैंने इसी नाइट आउटफिट में अपना पूरा का पूरा शूट करा है जेट स्की के ऊपर जो कि आप देख सकते हो। ये ना गाइस बहुत ज़्यादा मज़ेदार था और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था, बट इसका ना एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे कि हमने एक घंटे का ही स्लॉट लिया था इनका, तो उस स्लॉट में हमें एक घंटे में ही हमें शूट भी करना था। और इसको मुझे एक्चुअली, मैंने कभी पहले जेट स्की नहीं करी थी तो मुझे चलानी नहीं आती थी। इनिशियली मेरे को चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मैं बार बार गिरे जा रही थी तो हमारा सारा का सारा टाइम उसी में वेस्ट हो गया था।
बट इन दी एंड जब मुझे चलानी आई तब तक हमारा टाइम निकल चुका था, तो सिर्फ हम 15 मिनट ही शूट कर पाए इसमें। और यहाँ पर हम लड़ते हुए, क्योंकि ये लड़का मुझे बहुत ज़्यादा छेड़ रहा था कि मेरे को चलानी नहीं आती और मैं गिरे जा रही थी बार बार। तो यहाँ हमारा शूट ख़त्म हुआ है जेट स्की का, और अब हमें चेंज करने के लिए जाना था नेक्स्ट लोकेशन के लिए और नेक्स्ट शूट के लिए। तो गाइस, जितनी सुंदर मैं लग रही हूँ उतना ही भयंकर ये शूट था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा टफ और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। आगे आगे देखिए, आपको खुद से पता लगेगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था कि हम रेस्टोरेंट पे रुक के लंच करें, तो हम कार में कुछ भी खाते थे। क्यूटी, इसने अभी आउटफिट नहीं पहना है, ये लोकेशन पे जाकर ही पहनेगा। तो 2 आवर्स ड्राइव करने के बाद फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं, जो कि है डेजर्ट सफारी ऑफ दुबई, जिसमें हमने डेजर्ट सफारी नहीं करी है, हमने अपना शूट करा है। बहुत 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 मुश्किल शूट। डेजर्ट में ना बहुत तेज़ हवा चलती है, और मैंने सैटिन की साड़ी पहनी हुई थी, तो हवा की वजह से मेरी साड़ी बार बार ओपन होने जा रही थी। मैंने अपने आईज़ में लेंसेज पहने हुए थे, तो हवा से सारी मिट्टी उड़कर मेरी आँखों में जा रही थी, हमारे बाल उड़ रहे थे, इतनी ज़्यादा सैंड की वजह से हम चल नहीं पा रहे थे, और सबसे बड़ी बात हम फुल्ली टैंड हो चुके थे, क्योंकि इतनी चिलचिलाती धूप होती है डेजर्ट में, हमारे शॉर्ट्स ही नहीं आ रहे थे, तो हम इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, इतना टाइम वेस्ट। फाइनली आफ्टर सम गुड शॉट्स हमने अपना शूट ओवर करा, और हमने जल्दी से अपने कपड़े चेंज करे एक पेट्रोल पंप पर जाकर पास में ही, क्योंकि हमारा नेक्स्ट शूट भी इस डेजर्ट की रोड्स पर ही था। तो गाइज, इवनिंग हो चुकी थी तो लाइट नहीं थी, हमारे शॉट्स बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे थे, तो हमने डिसाइड करा हम नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग वापस यहाँ आएंगे। एंड यस, इट्स माई फेवरेट शूट बिकॉज इसमें थोड़ा सा रोमांस था, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। बट अगेन यस, इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस इन दिस शूट ऑल्सो, क्योंकि हमने ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ लेदर पहना हुआ है, लेदर जैकेट, लेदर पैंट्स, लेदर बूट्स, तो दुबई में बहुत गर्मी होती है, तो बहुत मुश्किल था। और मैं इतनी फनी हूँ ना, मैं हर शॉट में हंसने लग जाती हूँ, पता नहीं क्योंकि इस बात की मुझे No backup. Next location. फिर हम निकले अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो कि थी लामेर। लामेर एक बीच फ्रंट प्लेस है, यहाँ पर आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, और बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता है कि दुबई में जितने भी बीचेस हैं वो आर्टिफिशियल बीचेस हैं, मतलब वो मैन मेड बीचेस हैं, तो लामेर भी उनमें से एक है। वॉशरूम जाके मैंने चेंज करा लामेर के, और फिर हमने अपना शूट स्टार्ट करा। तो ये मेरा अनरोमांटिक पति, और इसको सारा रोमांस ना मैं ही सिखाती हूँ कि ऐसे करना है आपको, अब ऐसे करना है। तो गाइस, हम शूट कर ही रहे थे, और हमारे पास ना एकदम से 3-4 बॉडीगार्ड्स आते हैं और हमसे पूछते हैं कि आपके पास यहाँ पर परमिशन है शूट करने की, जो कि हमारे पास नहीं थी। तो हमने उनसे बोला कि नहीं, हमारा ना 70% शूट ऑलमोस्ट हो चुका है, बस 30% रहता है, तो हमें हाफ एन आवर और चाहिए होगा, आप उसके लिए परमिट कर दो। तो उन्होंने बोला आप सारी क्लिप्स डिलीट करो जो भी आपने अभी तक शूट करा, क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं थी। हमने उनसे इतनी रिक्वेस्ट करी कि ठीक है आप हमें हाफ एन आवर मत दो, बट हम ये डिलीट नहीं करेंगे, तो वो मान गए। फिर हमने सोचा अब क्या करें, हमने फिर हमें भूख लग रही थी, हम खाना खाने एक रेस्टोरेंट में बैठ गए, तो हमने सोचा अब थोड़ा सा टाइम निकल ही गया है, तो हम 3-4 शॉट्स लेके जाएंगे चुपके से। मैं वॉशरूम गई, जल्दी से कपड़े चेंज करे हमने नेक्स्ट शूट के लिए, और 3-4 शॉट लिए, बट उन्होंने हमें देख लिया। तो जो हमारी फाइनल वीडियो है प्री वेडिंग शूट की, उसमें सिर्फ 1-2 शॉट्स ही हैं इस आउटफिट में, क्योंकि हम शूट ही नहीं कर पाए थे। फिर हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर गए, जो कि थी पाम जुमेरा बीच। लैग
बैक आ रहा है। वो हमारे पास सिर्फ 20 मिनट्स थे यहाँ पर शूट करने के लिए, क्योंकि हमने जो नेक्स्ट लोकेशन पे जाना था वो बहुत ही ब्यूटीफुल और हम दोनों का ही फेवरेट शूट है, तो हमारा वो बुक्ड था तो हमें वहाँ पर टाइम पर पहुँचना था, तो हमने जल्दी जल्दी 20 मिनट्स में जितने शॉट्स आने थे वो जल्दी ख़त्म करे और फिर हम अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए निकले। तो गाइज ये है हमारी नेक्स्ट लोकेशन दुबई मरीना, और यहाँ हमने अपने लिए एक यॉट बुक कर रखी है, हम यॉट पे शूट करेंगे 1 घंटे के लिए। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी शूट के लिए, क्योंकि मेरे को हमेशा से यॉट पर ऐसे शूट करना था वाइट कलर का गाउन पहन के, तो मैंने स्पेशली अपने लिए एक ड्रेस डिज़ाइन कराई थी और मेरे साथ बहुत बड़ा लॉल हुआ था, वो मैं आगे बताऊँगी, पहले आप सबको यॉट घुमाते हैं। तो गाइस ये यॉट के नीचे का मैं आपको दिखा रही हूँ सब कुछ, यहाँ पर एक टॉयलेट, बाथरूम और 2 बेडरूम्स और एक चेंजिंग रूम था, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, मतलब इसके विंडोज़ ओपन करके हमें सारा वाटर दिख रहा था और हम इसमें शूट करने वाले थे ऊपर डेक पर। 10 मिनट्स रेस्ट करने के बाद हम दोनों जल्दी से रेडी हुए, रेडी होने के बाद हम ऊपर गए डेक पर, और डेक पर जो व्यू था ना गाइस, आई कांट टेल यू कितना ब्यूटीफुल था। ये यॉट बीच में चल रही थी, पानी के हवा चल रही थी और ऊपर ओपन स्काई था, चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी हमारे, और हमारे आउटफिट्स, हम इतना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ड्रीमी था ये, तो जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना एकदम वैसा फील हो रहा था मुझे। तो गाइस मेरे साथ ये लॉल हुआ था, जो मैंने आउटफिट पहना है इसकी जिप टूट गई थी मुझसे जब मैं इसको पहन रही थी, और मेरे पास कुछ भी नहीं था, पिंस एंड ऑल सब कुछ होटल में था, तो मैंने अपना शूट ऐसे ही करा है, बाल पीछे करके अपने, आपको दिख भी जाएगा कुछ कुछ शॉट्स में। तो हमने जल्दी जल्दी अपना 45 मिनट्स में शूट ख़त्म करा ताकि लास्ट के 15 मिनट्स हम खुद इन्जॉय कर सकें, तो हमने व्यूज़ इन्जॉय करे, और भी बहुत सारी यॉट्स थी उसमें, फॉरनर्स थे जो इंडियन सॉन्ग्स पर ही डांस कर रहे थे। यॉट पार्टी इज़ अमेजिंग गाइस, अगर आप दुबई आ रहे हो तो एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करना। हमारा 1 आवर कंप्लीट होने के बाद हम यॉट से बाहर निकले और अब हमें चेंज करके अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जाना था, जो कि हमारी लास्ट लोकेशन थी। और ये मेरा फुल आउटफिट है गाइस, मैंने स्पेशली वाइट कलर का ही डिज़ाइन कराया था, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसे यॉट में शूट करना था वाइट आउटफिट पहनकर। तो हमारे शूट की लास्ट लोकेशन थी बुर्ज खलीफा, गाइस शूट कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। इस लड़की ने बहुत तंग कर रखा है मेरे को। अच्छा ये देखो भैया दी सेवियर आ जा रखे हो, बहुत तंग कर रखा है मुझे सुबह से लेके। अच्छा लास्ट। तो गाइज यहाँ ख़त्म होता है हमारा सारा शूट और अब हम ये शेख जायद रोड से ही ड्राइव करके अपने होटल जा रहे हैं। अपने होटल पहुँचकर हमने एक छोटी सी पार्टी करी और कल हमारा लास्ट डे है दुबई में। तो गाइज हमने सुबह उठकर सबसे पहले अपनी कार जो 3 डेज के लिए हमने रेंट पे ले रखी थी मस्टैंग, वो वापस करी और रेंट पर दूसरी कार ली ताकि आज के दिन हम घूम सकें, और हम सबसे पहले गए दुबई फ्रेम।
ये शायद से 49th या 50th फ्लोर है, आई थिंक सो. और ऊपर ना ग्लास है, उस ग्लास के ऊपर आप चल सकते हो. तो थोड़ा सा ना डर लगता है इनिशियली, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी गाइज, बट फिर ठीक लगता है, मज़ा आता है. तो नेक्स्ट हम गए गोल्ड मार्केट, जो कि दुबई में बहुत ज़्यादा फेमस है. सबको ही पता है दुबई में गोल्ड कितना ज़्यादा फेमस है. और यहाँ मार्केट में मैं गोल्ड देखकर, गोल्ड ज्वेलरी देखकर इतना शॉक्ड हो गई गाइज. इतने यूनिक और इतने बड़े बड़े यहाँ पर नेक पीसेस, रिंग्स और इयररिंग्स होते हैं. मतलब मैं आपको भी दिखाती हूँ, आप देखिए आगे. इसके बाद हम गए अपने ट्रिप की लास्ट लोकेशन पे, जो कि थी ब्लू वाटर आइलैंड. तो गाइज़ यहाँ डिनर करने के बाद और बहुत सारा इंजॉय करने के बाद हम अपने होटल वापस गए, क्योंकि हमें वापस से अपनी सारी पैकिंग करनी है. हमारी मॉर्निंग की फ़्लाइट है इंडिया की, और उसके बाद 3 दिन के बाद हमारी इंगेजमेंट भी है. देखा, 4 दिन का मेरा कोर्स पूरा अब्सेंट होने का. मेरा भी ने अच्छी ट्रेनिंग दी है. मेरा भी हो गया. मेरा तो कॉम्प्लीमेंट्री फ्री हो गया, बीच में पैसे भी देने पड़े. बाय वन गेट. गाइज, हमारी फ़्लाइट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम था अभी, तो हमने सोचा हम ड्यूटी फ्री से कुछ शॉपिंग कर लेते हैं. और मैं जब भी ड्यूटी फ्री जाती हूँ तो कुछ ना कुछ मेकअप या परफ्यूम ज़रूर लेकर आती हूँ. तो मैंने 2 शनैल के परफ्यूम्स लिए थे यहाँ से, और ईशान ने भी अपने लिए आई थिंक गूची का परफ्यूम लिया था कोई, और मैंने 2 लिपस्टिक्स भी ली थी अपने लिए. थैंक. तो गाइज़, मैंने दोबारा से एक और पंगा कर दिया था, एंड दिस इज़ द लास्ट पंगा ऑफ दिस ट्रिप. मुझे ना मैकडोनल्ड्स खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी. मैंने इन लोगों को बोला मेरे को ना बर्गर और कुछ पीना है मैकडोनल्ड्स से, तो हम मैकडोनल्ड्स चलते हैं. और हम मैकडोनल्ड्स जाने की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गए. हमारी फ़्लाइट आ गई थी, और हमारी फ़्लाइट में हमारे लिए वेट किया जा रहा था. 25 मिनट्स इन लोगों ने हमारी फ़्लाइट में वेट करा. फॉरेन की फ़्लाइट्स ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. लोग ना पैसेंजर्स का वेट करते हैं. हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता. हमारे इंडिया में वो होता है कि पैसेंजर नहीं आया, वो 5 मिनट्स वेट करते हैं और चलो 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 फ़्लाइट उड़ा देते हैं. बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ. बट इन दी एंड हम चढ़ गए फाइनली, और सब लोग हमें देख रहे थे जब हम चढ़ रहे थे. तो गाइज, हम एमिरेट्स से फ्लाई कर रहे थे इंडिया, और इनकी सर्विसेज दी बेस्ट हैं. हमने बहुत कुछ खाया पिया और फिर हम सो गए. और मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ. होप आप सबको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा. गाइज, नीचे कमेंट कर दो जो जो हमारी फाइनल प्री वेडिंग शूट की वीडियो देखना चाहता है. बाय.